नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 27 सालों से संसद में अटका है महिला आरक्षण विधेयक, पास हुआ तो बदल जाएगी देश की तस्वीर, जानिए इससे जुड़ी हर बात। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार 18 सितंबर से शुरू हो गया। संसद के इस विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से 8 विधेयक पेश किए जाने हैं। इस बीच चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में ही मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की शाम को ही मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। संसद के विशेष सत्र से पहले रविवार 17 सितंबर को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने महिला आरक्षण बिल लाने की वकालत की थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से आगामी बुधवार 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। 1996 से संसद में लंबित है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण विधेयक HD देवगौड़ा की सरकार के समय 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। तब से लेकर अब तक ये बिल 27 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित है। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। वाजपेयी से लेकर UPA सरकार में हुई लागू करने की कोशिशें। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में इस विधेयक को आगे बढ़ाया, लेकिन ये फिर भी पारित नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 33% आरक्षण का उल्लेख किया था। UPA 1 की सरकार के दौरान 6 मई 2008 को इस विधेयक को राज्यसभा में दोबारा पेश किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 9 मई 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 17 दिसंबर 2009 को प्रस्तुत की गई। केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2010 में इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में लंबित था। RJD और समाजवादी पार्टी ने जाति के हिसाब से महिला आरक्षण की मांग करते हुए इसका विरोध किया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 243D के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 243D ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण है। 21 राज्यों ने अपने अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।